नमस्कार, सविता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज हम डेसिकेटेड कोकोनट की रेसिपी बनाते हैं घर में, जो बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। आप इसको किसी भी व्रत में बना सकते हैं। जब आपको कभी भी नारियल की बर्फी बनानी हो, नारियल के लड्डू बनाने हो, तो आप इसको बहुत ही इजी तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट बनाने के लिए सबसे पहले हम कोकोनट लेंगे। इसके बाहर का जो हार्ड पार्ट होता है, सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद फिर इसके पीस कर लेंगे हम। पीस करने के बाद इसके जो ऊपर का ये पोर्शन है ब्राउन कलर का, अब इसको हम हटा देंगे। इसको चाकू की सहायता से आप इसको हटा दें, या आलू छीलने वाले चाकू की सहायता से आप इसको हटा दें। अब ये देखिए, सारा डेसिकेटेड कोकोनट के लिए हमने छिलका हटा दिया है। अब इसको हम कद्दूकस कर रहे हैं। आप इसको मिक्सी के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मिक्सी के अंदर करें तो उसको आप थोड़ा सा रुक रुक के चलाएं, नहीं तो इसका ऑयल रिलीज़ होने लग जाता है। तो देखिए, हमारा सारा कोकोनट हमने इसको कद्दूकस कर लिया है कोकोनट को। अब ये देखिए, कोकोनट कद्दूकस हो के तैयार हो गया। आप ऐसे एक मसलन क्लॉथ लेंगे, जैसे मैंने मसलन क्लॉथ लिया है। इसके अंदर अच्छी तरह से ये निचोड़ जाएगा इसका पानी। अब हमने एक कटोरी के ऊपर रख लिया मसलन क्लॉथ, और सारा जो हमने ग्रेट किया है कोकोनट उसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, हमने सारा कोकोनट इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको कपड़े को अच्छी तरह से लपेट के, इसको मोड़ के, इसका सारा हम जूस निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका जूस निकल रहा है। इसका जूस निकलने के बाद आप किसी छोटे बच्चे को भी पिला सकते हैं, आप खुद भी पी सकते हैं, आप इसको सब्जी में भी डाल सकते हैं, ये बहुत पौष्टिक होता है। ये देखिए, इसका सारा निकल गया जूस। अब हम इसको कोकोनट को मसलन क्लॉथ में से निकाल के एक प्लेट में डाल लेंगे। ये जितना भी हमारा कोकोनट निकला है, इसको आप 2 दिन, या तो आप इसको फ़ैन के अंदर सुखाइए, और या फिर आप इसको 5 मिनट के लिए आप इसको कढ़ाई के अंदर ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। और देखिए इसका कितना अच्छा इसका जूस निकला है। अब मैं इसको 2 दिन के लिए धूप में सुखा रही हूँ। मैंने इसको सुखा लिया है। सुखाने के बाद देखिए, कोकोनट ऐसा हो गया है। तो आप डेसिकेटेड कोकोनट बनाना घर में ट्राई ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर बताएं कि आपका डेसिकेटेड कोकोनट कैसे बना है। थैंक यू।